जो आप मर गए अयोध्या में, मर गए गया में, चले गए हुआ बंबई कलकत्ता में, आप यहाँ आएंगे तो ही अयोध्या जाएंगे। वहाँ बॉडी यहाँ चली आई तो यहाँ आप काशी में मुक्त पाएंगे। काशी से हड्डी राख नहीं जाता है कहीं, बाकी हर जगह से यहाँ आता है। इनका नाम है नाथ चौधरी, ये प्रधानमंत्री के संगे घूमे मोदी और योगी के। अच्छा, जैसे घूमे उसी तरह मर गए। पहले हरिजन घाट था, उसके बाद मनगनका है। मनगनका कैसे बना? वो पार्वती जी गई थी नहाने, समझे ना, कि क्रीम कुंड है वहाँ पर, तो शंकर जी भी गए कि चला भैया उठ नहा दें, उनकर गिर गए मड़ी काने का। तो वहाँ ना मनगनका में जब खोजे गिन बाबा शंकर जी, तो वो कलन के अरब का खोजवा, चला हटावा ज्यादा के मड़ी गिर गए मनगनका रख जा मन का। यहाँ राजा हरिजन ने इलन ना तो कल्लू डूब के पहले ही खरीद लेंगे, मुंह तक नहीं देखा था वो तो मुर्दा जर जाता। आप पहनते थे कि नहीं? हम क्यों पहने? अबे बाबा का ऐसा आशीर्वाद है, हमको कहे होगा। 100-200 मुर्दा नहीं, 500 मुर्दा के चीता लगवाते थे। आगे आइए। 500 मुर्दा का चीता। अच्छा, प्रशासन ने आया, प्रशासन ने आकर हम लोग को डोम चौधरी को मने किया कि चौधरी आप लोग कम पैसा लीजिए, तो 7,000 बनाया, 5,000 बनाया। अच्छा, लकड़ी खत्म हो गई, हम लोग को लकड़ी मंगाना पड़ा। अच्छा, जितने व्यक्ति लोग थे अपने घर वाले को नहीं छू रहे थे, 2,000 रुपए फालतू दे रहे। नमस्कार, मैं हूँ मित्र प्रकाश और हम इस समय बनारस के हरिश्चंद्र घाट पे है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला व्यक्ति नरक जाता है। कबीरदास ने इस मिथ्या को तोड़ा था और वो काशी में रह के मगहर गए थे और वहाँ की क्या घटना थी ये आपको जानते हैं। जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके शव के बाद दो फूल बन गए थे जो मगहर में अलग अलग दो जगहों पर रख दिए गए थे, और एक जगह उसे हिंदू उसका पूजा करते हैं, एक जगह मुसलमान। उसी काशी के मगहर में, उसी काशी के हम हरिश्चंद्र घाट पर हैं, और हरिश्चंद्र घाट पे हमारे साथ डोम राजा हैं। आपका नाम क्या है? दीनदयाल चौधरी। दीनदयाल चौधरी जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की, क्या और यहाँ विकास की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद यहाँ पे क्या स्थितियों में बदलाव लाया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कोरोना के समय इनका लाशों को जलाने के लिए क्या अनुभव रहा, क्या क्या इन्होंने देखा, कैसी कैसी घटनाएँ देखी, किन किन परिस्थितियों में ये रहे और क्या क्या इनके साथ घटना घटी है, इनसे ही बात करेंगे और अब सारी बात यही करेंगे। आप ये बताइए कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाए कि जब कोरोना का समय चल रहा था तो कैसा माहौल था यहाँ का? अरे हम तो देख चुके हैं उनको करवाते करवाते में तो रात से लेके दिन तक खुदे परेशान हो गया। हाँ। 100-200 मुर्दा नहीं, 500 मुर्दा के चिता लगवाते थे। आगे आइए। 500 मुर्दा का चिता। अच्छा, प्रशासन ने आया, थोड़ा आगे आ जाइए। प्रशासन ने आकर हम लोग को डोम चौधरी को मने किया कि चौधरी आप लोग कम पैसा लीजिए, तो 7,000 बनाया, 5,000 बनाया। अच्छा, लकड़ी खत्म हो गई, हम लोग को लकड़ी मंगाना पड़ा। अच्छा, जितने व्यक्ति लोग थे अपने घर वाले को नहीं छू रहे थे, 2,000 रुपये फालतू दे रहे। अच्छा, बॉडी उठाने का। अच्छा, तो हम लोग को करना है तो करवे करेंगे, जो ढो रहा है तो सब ढोए। हम तो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक चीता लगवा दिए थे, एक दिन में 400-500 रोज बढ़ते थे। आपने भी कहा है कि प्रशासन ने आपसे कहा कि सस्ता रेट करो, ऐसा हाँ, क्यों कहा था? इसलिए कि किसी को वो होता है ना मनी प्रॉब्लम, कोई है कोई नहीं है। गवर्नमेंट आगे हमारा भेलूपुर थाने का SO साहब, SP साहब, ये लोग कहें यार डोम चौधरी लोग तुम लोग कुछ कम कर लो। हाँ। तो ये हुआ कि 10,000 लगता था। हाँ। तो 7 किए, 5 किए, फिर भी 300-400 मुर्दा रोज जलवाते थे। आप 300-400 लाख रोज रोज जलवाते थे? हाँ। क्या कोविड प्रोटोकॉल जैसे वो आते थे किट वगैरह पहन के काम करते? हाँ हाँ, वो आता था वहाँ से हॉस्पिटल से केबिट पहने, मुँह तक नहीं देखा था ना वो तो मुर्दा जल जाता था। आप पहनते थे कि नहीं? हम क्यों पहने? अबे बाबा का ऐसा आशीर्वाद है। आप
आपको कोरोना नहीं हुआ? हमको कहे होगा, इतने लोगों की लाशें रोज चलाए आप, आपको वो देखिए हमारा ये है ये भाई साहब हम यह रहिए। देखिए सबसे बड़ा गुरु ये हमारा है, भोलेनाथ की मूर्ति है ये, उनकी बात है। हाँ ये हमारा गुरु है, आप आएंगे जाएंगे हमसे कोई मतलब नहीं है, आप तो आएंगे दो घंटा चार घंटा रहेंगे, हम तो यहाँ 24 घंटा रहते हैं। किसी भी तरह के किट का प्रयोग नहीं किया? मैं खुद कोविड का पेशेंट था, तो आपने कुछ कुछ नहीं किया? हाँ। पूरा जितना रुपया लिया सबको मारा इसे, हाँ। क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर। हाँ 200 लाख, हाँ। 2 लाख लिए। अच्छा। हाँ क्या करते हैं आप? हम? हाँ हम तो मीडिया से हैं। तो 2 लाख रुपया लिए थे, मुर्दा जरा 400। अच्छा। हाँ आपका घर कैसे चलता है? इसी तरह। कौन कौन है घर में आपके? हमारे चार लड़कियां, 2 लड़का, हम मियां बीबी। आपके लड़के लड़कियां क्या करते हैं? सबका शादी कर दिया। तो वो भी लोग इसी परंपरा में? नहीं हाँ परंपरा तो वही है ना, लड़के आपके यही काम करते हैं और क्या करेंगे, अभी ये नहीं सोचे कि पढ़ लिख के आगे जाएं? होते हैं। हाँ। देखिए ये बिल्डिंग देख रहे हैं? हाँ। ये बिल्डिंग जो है पहलवान है। हाँ। इन्हीं का बिल्डिंग है। हाँ। इनका नाम है नाथे चौधरी, ये प्रधानमंत्री के संगे घूमे। अच्छा। मोदी और योगी के। अच्छा। जैसे घूमे उसी तरह मर गए। आप प्रधानमंत्री जी से मिले हैं कि नहीं? नहीं ये मिला तो हम कहाँ मिलेंगे, हमारा बिरादर ना है। प्रधानमंत्री जी आते रहते हैं, कभी यहाँ आए? आते हैं नैया से जाते जाते हैं। इधर नहीं आए? नहीं इधर नहीं, ऊपर से जाते हैं गाड़ी से। अच्छा गाड़ी से, हवाई जहाज से? नहीं नहीं वो चारपहिया से जाते हैं ना। सुनार देखे हैं प्रधानमंत्री? और क्या यार, प्रधानमंत्री 2014 से यहाँ पे है, आते रहते हैं, 2000 आते जाते रहते हैं, यहाँ के सांसद भी हैं वो, तो यहाँ पे विकास की क्या स्थिति है? ये हमारे विकास ये है कि हमारे बाड़ी वाले जितने आदमी आते हैं ये सबको सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं? ये एक हमको धर्मशाला बनवाइए और बढ़िया, ये सब बाड़ी वाले जो आते हैं छुपते रहते हैं यार, वो पानी बरसता है ठंडा लगता है, ये सब बाड़ी वाले को थोड़ा सा हमको जगह चाहिए। हाँ। ये सब सुविधा रहेंगे तो हम भी सुविधा रहेंगे। बनारस में विश्वनाथ मंदिर के पास काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो आप कुछ उसी से मिलता जुलता समझ रहे हैं कि यहाँ भी मल्टीप्लेक्स क्यों नहीं हो रहा है? हमारा मनगनका खराब कर दिए कॉरिडोर में। क्या खराब कर दी? मनगनका क्या था वहाँ पे? वो हमारे इतने जनता मुर्दा वाले जाते थे वहाँ बैठते थे आराम से अपना घूमते फिरते थे, सब खराब कर दिया। कौन खराब कर दिया? ये मोदी जी। अच्छा। इतना इतना अच्छा अच्छा धर्मशाला था वो सब तोड़वा, ये मुर्दा वाले सब वहाँ जाते हैं परेशान होते हैं, कितना मुर्दा वाले को हम बैठाएंगे? अच्छा। हम डोम चौधरी हैं, अरे एक के दूटे चट्ठे बैठ गई हैं, क्या सबके बैठा दे हम? कह रहा था कि काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है विश्वनाथ मंदिर के पास, तो उसी तरह आप ये सोच रहे हैं क्या कि इधर भी यहाँ भी बने, यहाँ बने पर बनाया जाए काशी कॉरिडोर टाइप? हाँ बनाया जाए जहाँ पे लोग आके रहे। हाँ तो इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़िएगे नहीं तो काल से ही बन जाएगा। भाई तोड़ेंगे तभी तो बनेगा। तो अभी उतनी लाशें नहीं आ रही होंगी जितनी? रोज आता है यहाँ, रोज 20-25 मुर्दा रोज आता है, कुछ मशीन में चला जाता है, कुछ हरिचंद घाट के लकड़ी में जल जाता है। गवर्नमेंट ने 500 रुपया इनको दिया है, मशीन वाले को लेते हैं 1000, हमको देते हैं 4500, तो हमें कहते 4000। तो ये क्यों 500 दिया है तो 1000 क्यों लेते हैं? वो सब जो हमारे बाबू है लिखने वाला करने वाला राख देने वाला वो सब 500 रुपया। ये बताएं कि आप यहाँ पे रहते हैं बराबर? हमारा मकान है, ये सब हमारा ही मकान है ना। अच्छा ये सब आपका मकान है? सब का, सब हमारे, जो बाड़ी पानी बढ़ गया था देखिए बिल्डिंग डूब गया था, बाड़ी कहाँ चल रहा था वो वहाँ हमारे जमीन पर चल रहा था, वो उसमें भी हम लोग अपने सेवा किए बाड़ी वाले को। अच्छा आप लोगों की सेवा करते हैं यहाँ पे? तब क्या बाड़ी वाले क्या हमारे बाप के हैं क्या? आते हैं मुर्दा जरवाते हैं पैसा देते हैं अपने घर चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये परंपरा है
ये सदियों से परंपरा चल रही है कि काशी में मरने वाला व्यक्ति पहले हरिजन घाट था, उसके बाद मनगनका है। मनगनका कैसे बना? वो पार्वती जी गई थी नहाने, समझे ना, कि क्रीम कुंड है वहाँ पर, तो शंकर जी भी गए कि चला भैया उठ नहा दें, उनकर गिर गए मड़ी काने का। तो वहाँ ना मनगनका में जब खोजे गिन बाबा शंकर जी, तो वो कलन के अरब का खोजवा, चला हटावा ज्यादा के मड़ी गिर गए मनगनका रख जा मनगनका हो गया। अहियाँ राजा हरिचंद इलन ना तो कल्लू डोम के पहले ही खरीद ले गए। हाँ और क्या, वो राजा हरिचंद हम ही का खरीद ले लेना, हम उनको नहीं खरीद ली, वो हम ही खरीद ले लेना। क्षत्रिय आदमी को कौन खरीदेगा यार, रामनगर इतना बड़ा काशी है और राजा होकर एक राजा को राजा कोई खरीदता है? बाकी उनके आगे झुकना पड़ा, इसलिए सत्यवादी अभी भी चल रहे हैं। आज धर्म मानेंगे तो आपके कर्म के साथ हैं, न कोढ़ी हो जाएंगे, अंधा हो जाएंगे, पानी पीने लायक नहीं रह जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए आप, कि ये अभी इससे पहले भी मैं पूछा था, मैं बोल भी रहा था कि काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है, ये आपका गलत बात है। मगहर में मरने वाला व्यक्ति नरक नहीं, ये ऐसी आप गलत बोले। कबीर दास ने सुनिए, कबीर दास की नहीं, जो आप मर गए अयोध्या में, मर गए गया में, चले गए हुआ बम्बई कलकत्ता में, आप यहाँ आएंगे तो ही अयोध्या जाएंगे, वहाँ बॉडी यहाँ चली आई तो यहाँ आप काशी में मुक्त पाएंगे। काशी से हड्डी राख नहीं जाता है कहीं, बाकी हर जगह से यहाँ आता है। बॉडी कहीं भी आप जला दीजिए, उसका राख लिया गंगा में परवाह कर दिए तो काशी में मुक्त। मैं ये पूछ रहा हूँ कि काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है, ऐसा क्या है? वो होता है, जो काशी के अंदर है वो मरेगा तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, भगवान ने बोला है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, हम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को देखा हूँ, उनके लड़का को देखा हूँ, राजीव गांधी को, संजय गांधी का जैसा राखी यहाँ हरिचंद घाट पर आ गया, अभी तक किसी को राखी नहीं आया संजय गांधी का। इंदिरा गांधी ने उसको बम में मरवाया था, क्या है तुम्हारा पैदाइश नहीं रहोगा उसमें। उनका राखी भी इधर आया था, यहाँ था संजय गांधी का जैसा राखी यहाँ परवाह हो गया, अभी तक किसी प्रधानमंत्री का, राजीव गांधी इंदिरा गांधी का, किसी का नहीं हुआ, अपने आँख के देखा हूँ, ऐसे लवंडा थे। तो हम हरिश्चंद्र घाट पे डोमराजा से जाने कि क्या स्थिति थी कोरोना के टाइम पे, इनकी कुछ दिक्कतें हैं, ये कह रहे हैं कि काशी कॉरिडोर बनाने की जगह यहाँ पर कई घाट बनाए जाएं जिसमें यात्रियों को और इनके वहाँ जो लोग आते हैं लाश जलाने के लिए उनके लिए भी सुविधा का हो। तो अगर प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ हमारी बात सुन रहे हैं तो ये डोमराजा की बात भी सुनें और इनसे भी उस समिति में इनको भी डालें और इनकी भी तमाम दिक्कतें हैं एक बार आप यहाँ के सांसद हैं तो इस विषय पे इनसे बात करें और तमाम बातें ये बताएं। और ये ज़मीनी बातें हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि ये कोविड के दौरान 400-500 लाशों को जलाते थे और आज दिन भर में 25-30 लाशें जला रहे हैं, तो शायद इनसे बड़ा अनुभवी कोई नहीं हो सकता जो डेली इतने लाशों को ऊपर पहुंचा, अंतिम संस्कार तक पहुंचा रहा है, अंतिम दिनों तक, मतलब यहां अंतिम सवारी लेके आदमी आता है और इसको अंतिम नाव पे पार लगा के ये स्वर्ग या जहां का भी रास्ता ये दिखाते हैं ये वही हैं, तो शायद इनसे ज़्यादा अनुभवी कोई नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप इनकी बात सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी बातों पर अमल लाया जाए। मैं मित्र प्रकाश हूँ, आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे।